पेंटिंग है द रॉक ऑफ द मेड्यूसा, जो जो कि 1818 के आसपास थियोडोर चेरिको ने बनाया था। और ये है एक स्कल्पचर जिसका नाम है द ब्रिलो बॉक्स, साबुन के डिब्बे हैं बेसिकली ये, जो कि एंडी वॉरहल ने बनाया था 1960s के टाइम पे। द राफ्ट ऑफ द मेड्यूसा हमारे दिमाग में जो एक आर्ट को लेके ट्रेडिशनल इमेज है पहले से, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 1960s का ये आर्ट ब्रिलो बॉक्स, ये हमारे ट्रेडिशनल आर्ट के आइडिया को चैलेंज करता है। ब्रिलो बॉक्स वैसे तो है साबुन के डिब्बे, लेकिन एंडी वॉरहल के हिसाब से इसमें डिफरेंस है। ये आर्ट इसीलिए है क्योंकि ये वैसे तो है एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज, लेकिन ये शॉप में ना होकर एक म्यूजियम में है पहली बात, और दूसरी बात इन्हें हाथ से बनाया गया है कार्डबोर्ड को यूज करके, और ये जो कलर्स हैं इनको पेंट करके। ये आर्ट अपने आप में फिलोसॉफिकल है, और आर्ट क्या है इस क्वेश्चन को एड्रेस करता है। द राफ्ट ऑफ द मेड्यूसा से लेकर द ब्रिलो बॉक्स तक आर्ट क्यों चेंज हुआ और कैसे चेंज हुआ, इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। हीगल एक 18th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर था जो कि आइडियलिस्ट था। आइडियलिस्ट होने से हीगल का मतलब है कि जो आइडिया है, द आइडिया, वो एब्सोल्यूट और इटर्नल है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। इनफैक्ट बिग बैंग से भी पहले जब कुछ भी नहीं था तब आइडिया ही था। यही आइडिया हीगल के अकॉर्डिंग स्पिरिट है, जो कि अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग स्टेजेस पे हिस्ट्री के खुद को आइडेंटिफाई करते हुए अपने पर्पस को फाइंड करता है। और ये जो स्पिरिट का प्रोग्रेशन है, ये रिजल्ट होता है कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट का। इसी द आइडिया को हीगल ने द स्पिरिट बोला है। हर एज की अपनी एक स्पिरिट होती है, मतलब एक आइडिया होता है जो कि प्रेवलेंट होता है। जैसे हम आज के टाइम पे रह रहे हैं, तो आज के टाइम को कौन सा आइडिया बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है? जैसे ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ये सारे आइडियाज हैं जो प्रेजेंट टाइम्स को अच्छे से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन हीगल के अकॉर्डिंग ये जो आइडियाज हैं, ये हमेशा से ही एग्जिस्ट करते थे, और इनका जो प्रोग्रेशन होता है इसको हीगल ने डायलेक्टिक बोला है। कोई भी आइडिया है जैसे कि कैपिटलिज्म, ये पहले से था, ये हो गया थीसिस। इसका एंटीथीसिस क्या हो गया? सोशलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टीज खत्म कर दिए गए और सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। तो ये आइडिया बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कैपिटलिज्म के आइडिया से, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है और अमीर है वो बहुत अमीर है और गरीब है वो बहुत गरीब है। जो कैपिटलिस्ट क्लास है, बूर्जुआजी क्लास, वही मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और इसके सिंथेसिस का सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया, जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे हम कैपिटलिज्म के आइडिया को भी सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को भी एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है इकोनॉमी को सस्टेन कराने के लिए। ये जो द आइडिया है, जिसको हम स्पिरिट भी बोल सकते हैं, इसका अल्टीमेट एम है अपने पर्पस को फाइंड करना। जब ये पर्पस उस आइडिया को मिल जाता है तो वो खत्म हो जाता है। हीगल के इसी डायलेक्टिक थ्योरी से कार्ल मार्क्स कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। इसको और अच्छे से समझने के लिए आई बटन पे क्लिक करो। हीगल कहता है कि द रियलिस्ट इज द रैशनल एंड द रैशनल इज द रियलिस्टिक। यहाँ रियल का मतलब है कि हम, और हमसे मतलब है कि हमारा फ्लैश, हमारा बॉडी, हम एज अ मटीरियल बींग। यहाँ पे जो आई है, मैं, ये जो रिफ्लेक्टिव इमेज है ये रियलिस्ट है, और ये जो आई है, मैं, ये मेरे होने का रिफ्लेक्शन है जो कि रियलिस्ट है, और यही मेरे होने का सेंस मुझे डिफरेंट बनाता है एक रॉक से या किसी और मटेरियलिस्टिक चीज से, जो कि हम कहते हैं कि इसमें जान नहीं है, मेरे में जान है। ये जो सेंस है कि मैं हूँ और मैं अपनी बॉडी से भी एक डिफरेंट एंटिटी हूँ, ये चीज टाइम एंड अगेन हम रिफ्लेक्ट करते हैं अलग अलग सिंबल्स के थ्रू, लैंग्वेज, कल्चर, पॉलिटिक्स, आर्ट, रिलीजन, ऑब्जेक्टिव साइंस एक्सेट्रा। ये सब क्या है? द आइडिया, द आइडिया। हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट किसी पर्टिकुलर कल्चर का, किसी पर्टिकुलर टाइम का या इंडिविजुअल का स्पिरिट को शो करता है, और ये स्पिरिट क्या है? आइडिया। और आइडिया कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट और सिंथेसिस के साथ साथ, और फाइनली एक टाइम पे जाके वो एक क्लाइमेक्स पे पहुंच जाए। हीगल के हिसाब से ये जो आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, यही क्लाइमेक्स है, जब स्पिरिट को अल्टीमेट मीडियम मिल चुका है खुद को एक्सप्रेस करने का। लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स में हीगल ने आर्ट हिस्ट्री को तीन स्टेजेस में रिकॉग्नाइज किया है।
सिंबॉलिक, क्लासिक एंड रोमांटिक। सिंबॉलिक स्टेज में लोगों के पास पावरफुल आइडिया तो है, लेकिन उनके पास इतने मीन्स और मेथड्स नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसीलिए जो फॉर्म है वो हमें थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा मिलेगा और जो इमेज है वो शायद एकदम रियल ना लगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिंदू गॉड्स, जैसे कि ये इमेज है विष्णु भगवान के वराह अवतार का, जिनका हेड देख सकते हो एक एनिमल के फॉर्म में है और वो मदर अर्थ को बचा रहे हैं। सिमिलर एग्जाम्पल्स हमें इजिप्ट में भी मिलते हैं, हमें इनका सिविलाइजेशन में भी मिलते हैं। और किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना है और एक्सप्रेशन का मीन्स ये है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में कुछ कुछ सिमिलर है, ये अपने टाइम के स्पिरिट को शो करता है। दूसरा स्टेज है क्लासिकल, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रीक स्कल्पचर। उस टाइम का स्पिरिट यही था कि फॉर्म्स को जितना रियल हो सके उतना रियल बनाया जाए, फॉर्म्स में किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। यही टाइम था जब आर्टिस्ट ने रेशियो प्रोपोर्शंस को एक्नॉलेज करना शुरू किया और इनके प्रिंसिपल्स तक बना दिए कि आइडियल फेस ये होना चाहिए, आइडियल ह्यूमन बॉडी ये होना चाहिए। ऑल्दो तो इसमें भी टाइम के साथ साथ चेंज होता गया, क्योंकि चेंज होना ही कॉन्स्टेंट है, और हीगल के अकॉर्डिंग ये चेंज कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आता है। और थर्ड स्टेज है रोमांटिक है, जहाँ पे आइडिया तो एग्जिस्ट करता है बट उसको कैसे एक्सप्रेस करना है ये मेथड इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि अब एक इमेज है वो तो दिख रहा है, वो एक्चुअल में वो है नहीं, उसके पीछे एक मीनिंग है, एक सिंबल है। जैसे क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन की इमेज सफरिंग और सेक्रीफाइस को सिंबलाइज करती है। तो ये कल्चरल मीनिंग्स है जो कि हम शायद सिर्फ इमेज को देख कर ना पता लगा सके कि क्रूसिफिक्शन के इमेज का क्या मीनिंग है। तो हीगल के हिसाब से जब स्पिरिट या द आइडिया तब उसे उसका पर्पस मिल जाता है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थीसिस एंटीथीसिस से होते हुए जब और कोई सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, तो हीगल के हिसाब से स्पिरिट का या द आइडिया का अल्टीमेट एम होता है कि फ्रीडम अटेन करना और अपना पर्पस फाइंड करना, जो कि कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू होता रहता है थ्रू आउट एजेस, तब हिस्ट्री खत्म हो जाती है। वैसे ही आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हीगल के अकॉर्डिंग अल्टीमेट क्लाइमेक्स है। हीगल के हिसाब से आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं है, वो एक्सप्रेशन है आइडियाज का, और वो अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, वही क्लाइमेक्स है। इसके बाद और आर्ट पॉसिबल नहीं है, आर्ट का पर्पस खत्म हो जाता है, आर्ट खत्म हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने आर्ट करना छोड़ दिया या आर्ट में इन्वॉल्व होना छोड़ दिया। अगर हम वेस्टर्न विजुअल आर्ट की हिस्ट्री को देखें तो रेनेसा पीरियड से लेके ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी तक आर्ट हिस्ट्री एक लीनियर प्रोग्रेशन फॉलो करता है, जहाँ पे हर स्टेज का पर्पस ये था कि जो प्रीवियस स्टेज है उसके आइडियाज को और फर्निश करना और डेवलप करना, और एक सीरियस आर्टिस्ट का यही एम था। तो आर्ट खत्म हो चुका है, यानी कि उसका पर्पस खत्म हो चुका है, इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एंडी वॉरहॉल के द ब्रेलो बॉक्स आर्ट के थ्रू। आर्ट अब सिर्फ एक आर्ट नहीं है या सिर्फ इमिटेशन नहीं है, वो अब एक फिलोसफी बन चुका है, जो कि आर्ट के ही डेफिनेशन को क्वेश्चन करता है कि आर्ट क्या है। हीगल ने चार टाइप के आर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग और म्यूजिक, जिसमें उसने म्यूजिक को अल्टीमेट आर्ट बोला है और आर्किटेक्चर को सबसे लो लेवल का आर्ट बोला है। आर्किटेक्चर हीगल के हिसाब से क्या है, बस नेचर में जो भी फॉर्म्स है उनको बोरो करो और उन्हीं फॉर्म्स को यूज करके स्ट्रक्चर बना दो, यहाँ पे आइडिया स्पष्ट तो कुछ है ही नहीं। कल्चर जो है वो स्पिरिट यानी द आइडिया को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन वहां पे भी उसको बॉडी की जरूरत होती है अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन पेंटिंग में क्या है, पेंटिंग उससे थोड़ा सुपीरियर है, क्योंकि पेंटिंग में ये जो थ्री डायमेंशनल फॉर्म है ये भी नहीं चाहिए, वहां पे जो आइडियाज है वो सिर्फ एक प्लेन के थ्रू कन्वे किया जाता है। अगर स्टोन सीमेंट ना हो तो बिल्डिंग्स बनेंगी ही नहीं, और स्टोन क्ले ये सब ना हो तो स्कल्पचर्स भी नहीं बनेंगे। लेकिन पेंटिंग के लिए हमें सिर्फ एक टू डायमेंशनल सरफेस चाहिए अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। हीगल के हिसाब से फॉर्म से ज्यादा कलर हमें अपील करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्डिंग बनाना एक आर्ट है, आर्किटेक्चर के अंदर आता है, स्कल्पचर एक आर्ट है, लेकिन ये आर्ट अपने आप में कम इंटरेस्टिंग है। अगर इनको कलर ना किया जाए तो कलर इन्हें और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, तो इसीलिए कलर हमारे सेंसेस को ज्यादा अपील करता है, इसीलिए पेंटिंग सुपीरियर है आर्किटेक्चर स्कल्पचर से, और इन सब से कहीं ऊपर है म्यूजिक।
डिफरेंट है आर्किटेक्चर, स्कल्पचर या पेंटिंग से, क्योंकि म्यूजिक को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ये हमारे सोल को एड्रेस करता है और यही सोल का, द स्पिरिट का, द आइडिया का अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, इसीलिए म्यूजिक सबसे ज्यादा सुपीरियर है। तो ये था हेगल से एस्थेटिक्स सिंपल टर्म्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, तो कंटेम्प्रेरी आर्ट तुम देखते हो उसको देखो। मिलते हैं अगले वीडियो।